السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں بھی کچھ نعت سنا دوں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی اسی کا ایک شعر پھر سے پڑھتا ہوں. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے سماعت کریں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے چلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ
शर्माओ अहबाब कफन ढक दो मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है मुँह देख के क्या पर्दे में भलाई है मतलब में ये क्या शक था वल्लाह रज़ा वल्ला मतलब में ये शक क्या सिर्फ उनकी रसाई है सिर्फ उनकी रसाई है सिर्फ उनकी रसाई है सिर्फ उनकी रसाई है सिर्फ एक बात बताता हूँ इस नात के बारे में आला हज़रत ने ये पंखा अगर बंद कर दो कोई वहाँ से थोड़ा सा बीच वाली स्विच है ना उसको ऑफ कर दो इधर से इधर इधर पहली लाइन में हाँ बीच वाली बस शुक्रिया जज़ाकल्लाह पहले शेर में आला हज़रत ने फरमाया था सुनते हैं देखे बात सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है और किसी की पहुँच नहीं है रसाई का मतलब पहुँच सुना है यानी आला फरमाते हम सुनते हैं कि क़यामत के दिन सिर्फ हुजूर की पहुंच है बाकी किसी की पहुंच है नहीं समझ में आई ये बात समझ गए तो आला तो क्या कहा सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है और अगर उनकी रसाई अगर उनकी पहुंच है ना तब तो अपना काम बन गया अगर उनकी पहुँच है तो अपना काम बन गया अब फिर पूरे अशआर आपने बयान किए ना उसके बाद आखिरी लास्ट में आप है ना अपने आप को डांट रहे हैं आला हज़रत अपने आप को डांटते हैं अपना रद्द कर रहे हैं है ना क्या ए रज़ा ये पहली लाइन में तूने शक के साथ क्यों कहा घर उनकी रसाई ये घर क्या है रे अगर उनकी रसाई है तो बात बनाए ये क्या ए रज़ा तुझे शक है नहीं सिर्फ उनकी रसाई और सिर्फ उन्हीं की रसाई है और किसी की रसाई नहीं लास्ट शेर में आला हज़रत ने जो ना उस पहली लाइन के शक को दूर कर दिया वो शक वाली बात नहीं यकीन के साथ सिर्फ उन्हीं की रसाई है तो बड़ी प्यारी सी नात है और अशार भी बड़े प्यारे अब कुछ अर्ज़ मारूस से पहले खुद नहीं पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कुछ अर्ज़ मारूस से कब हम राफिल कर इंतहाई एहतराम अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका और वाना फिदाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमा में झुम झुम कर दुरूद पाक का हदिया निशाकब आज़म बुलंद पढ़े اللهم صل على سيدنا مولانا محمد امام الجود والكرم والیہ الکرام بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم अज़ान मिलत इस्लामिया आप तमामी हज़रात को बताने की ज़रूरत नहीं है आप सब जानते हैं कि आज की ये शब और आज की हमारी ये महफ़िल शब मेराजुन नबी है ना शब मेराज के लिए हमने मुनाकिद की है हम जमा हुए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा अगले अम्बिया इकराम को जितने मौजज़ात दिए वो सारे उससे ज़्यादा
अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, बढ़ चढ़ कर अता फरमाया, इसलिए कि बाबे नबूवत बंद होने वाला था, आइंदा मौजज़ात होने नहीं थे, लास्ट दरवाज़ा था मौजज़ात का, तो सारे दे दिए, सारे दे दिए, कोई नहीं छोड़ा, एक मौजज़ा ऐसा नहीं कि जिसे छोड़ दिया हो। बहुत से लोग यानी कि कभी ऐसा सवाल करते हैं और पूछते हैं, और कभी किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि हुजूर ने मुर्दों को ज़िंदा नहीं किया, हते ईसा ने मुर्दों को ज़िंदा किया, सरकार ने नहीं किया, कभी किसी मुर्दे को मारी और लात ठोकर मारी, खुद बिज़िल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, सरकार ने नहीं किया। हालांकि सीरत की किताब, अहादीस की किताब में नहीं है, लेकिन सीरत की किताबों में हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के दो बच्चों को ज़िंदा फरमाया सरकार ने, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के दो बच्चों को जो यानी कि वफात पा गए थे उन्हें ज़िंदा किया, वो एक अलग मसला, लेकिन वो सिर्फ सीरत की किताबों में, तो कोई माने ना माने अब मर्ज़ी की बात है। लेकिन अगर ये सवाल हो भी जाए कि सरकार ने किसी को ज़िंदा नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा अता फरमाया, ऐसा मौजज़ा अता फरमाया कि जिससे ये पता चलता है कि अगर इस ज़ात के हाथ में कंकर आए और वो तस्बीह पढ़ने लगे, तो अगर मुर्दा हाथ आएगा तो वो भी बोलने लग जाएगा, वो भी बोलने लग जाएगा, इसलिए कि मुर्दे में तो पहले जान थी चली गई, कंकर में तो कभी जान थी ही नहीं, फिर भी बोला, फिर भी बोला, तो फिर सरकार अगर मुर्दे पर हाथ रखे तो मुर्दा भी बोल उठे, है कि नहीं। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को सुना भी देते हैं, मुर्दों को मतलब वो जो जिंदा थे मर गए वो नहीं, जमादात जिसमें कभी जान थी ही नहीं, उन्हें भी सरकार ने सुनाया है। क्या सुनाया? सरकार गए कज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं, पेशाब पाखाने की ज़रूरत थी तो कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रुक गए, पानी लेकर साथ में है तो रुक गए कि अब सरकार कज़ाए हाजत के लिए जाएँ तो मैं क्या पीछे पीछे वहाँ तक जाऊँ, रुक गए, तो सरकार जो है आगे तशरीफ़ ले गए, और जब चलते चलते आपने एक दरख्त की टहनी शाख को पकड़ा और पकड़ कर ऐसे चलने लगे, तो दरख्त भी साथ में आपके चलने लगा है, दरख्त भी आपके साथ साथ चलने लगा, यानी सोचो उसने अपने आप को जड़ से उखाड़ा होगा, है ना। लेकिन सरकार ऐसे सिर्फ ये नहीं कि रुके कि भाई निकल जल्दी उखाड़, नहीं, सरकार तो शाख पकड़ कर चलने लगे और ये पीछे पीछे हो गया है, पीछे पीछे हो गया। अब ये पीछे पीछे चलने लगा, वहाँ सामने यहाँ से लेकर चले थे, वहाँ दूसरा दरख्त था, वहाँ ले जाकर उसको खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, और दोनों को हुक्म दिया, सरकार फरमाते दोनों मिल जाओ, दरख्त से कह रहे हैं दोनों मिल जाओ, तो कितने समझदार थे, दोनों फौरन जॉइंट हो गए, दोनों जॉइंट हो गए, और जब जॉइंट हुए तो फिर सरकार उनके पीछे आपने कज़ाए हाजत फरमाई। और सरकार का ये भी मौजज़ा है कि आपने जब कभी भी बराज मुबारक यानी पाखाना किया तो कभी वो ज़मीन के ऊपर रहा ही नहीं है, ज़मीन ने निगल लिया, आज तक किसी ने सरकार के पाखाने को नहीं देखा, देखने वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन देख नहीं पाए। हज़रत आयशा चाहती थी कि मैं सरकार का पाखाना मुबारक भी उठाऊं, साफ करूं, यानी हमारी तरह के टॉयलेट तो थे नहीं, सिर्फ दो ईंट रख दी थी और एक छोटा सा यानी आड़ बना दी, दो ईंट रख दी, उस पर कज़ाए हाजत फरमाते, तो जब निकलते तो हज़रत आयशा दौड़ कर जाती कि मैं साफ करूँगी, लेकिन जाकर देखती वहाँ खुशबू होती, ज़मीन बिल्कुल बराबर होती, कोई निशान बाकी ना होता, ज़मीन निकल लेती, है ना। बाहर निकली, सरकार फरमाते आयशा क्या हुआ, क्यों दौड़ी थी? या रसूलल्लाह मेरा बड़ा यानी बड़ी तमन्ना है कि कभी मैं ये खिदमत भी करूं, लेकिन जब भी जाती हूं कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ। हज़रत सरकार फरमाते आयशा तुझे पता नहीं, अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया हुआ है, जब भी मैं कज़ाए हाजत करूँ वो निकल लिया करती है, वो निकल लेती। तो सरकार को बड़े मौजज़ात होता, तो अब दरख्त के पीछे कज़ाए हाजत फरमा ली, अब उसके बाद चले, अब वापस पकड़ कर लाए नहीं, अब चले, चल दिए और जाकर हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के पास, जब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के पास पहुँचे, फिर हज़रत जाबिर से कहते जाबिर, अच्छा जाते जाते सरकार ऐसे चलते चलते एक जगह खड़े हुए, जाबिर सामने हैं, हज़रत जाबिर से कहा ये दो जगह देख ली, ये इशारा किया, फिर आगे बढ़े। अब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के पास पहुँचे, और जब हज़रत जाबिर के पास पहुँचे उससे फरमाते हैं, ऐ जाबिर जाओ उस दरख्त से कहना, उस दरख्त से कहना कि अपनी जगह चला जाए,
अभी सरकार ने नहीं कहा उससे कि भाई तू चला जा, लेकर भी नहीं आया, गए थे तो लेकर गए थे, लेकिन अब फरमाते हैं जाबिर वो दरख्त से कहना जाकर के तू अपनी जगह चला जा और उसकी एक शाख तोड़ना, और मैंने तुझे जहां इशारा किया था ना, निशान बताया था ना, ऐसे इशारा किया था, वहां शाख के दो टुकड़े करके एक शाख इधर और एक शाख इधर, दाएं बाएं दो शाख रख देना, जा। अब हज़रत जाबिर गए, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह सहाबी रसूल है ना, नहीं पूछते या रसूलल्लाह कैसी बात कर रहे हैं, दरख्त मेरी क्यों सुनेगा, उसके कान हैं, उसमें जान है, उसमें रूह है, वो आवाज़ कैसे सुनेगा, नहीं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह जानते हैं सरकार फरमाते हैं तो फिर दरख्त भी सुनने लग जाए। हज़रत जाबिर गए और जाकर जाने के बाद आप कहते हैं दरख्त सरकार ने फरमाया अपनी जगह चला जा, तो दरख्त भी चुपचाप चलता हुआ अपनी जगह पहुंच गया और जहां खड़ा था वहीं जाकर रुका है और जैसा था वैसा हो गया, नॉर्मल, लगे भी नहीं कि कभी उखड़ा था कभी निकला था, वहां जाकर खड़ा हो गया। अब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने एक शाख तोड़ी, उसके दो टुकड़े किए, जहां सरकार ने इशारा फरमाकर इशारा करके बताया था वहां जाकर एक शाख यूं रखी, एक शाख यूं रखी, फिर सरकार की बारगाह में आए, असकत या रसूलल्लाह ये क्यों करवाया, सरकार फरमाते वो दो कब्रें हैं, वो दो कब्रें हैं, दोनों पर अजाब हो रहा है, दोनों पर अजाब हो रहा है, तो मैंने चाहा तुम तर शाखें रख दो ताकि इन जब तक ये शाख हरी भरी रहेगी उनसे अजाब कम हो जाएगा। हम सुन्नी भी पागल हैं, हम सुन्नी भी क्या हैं, पागल हैं, फौरन सीख लेते हैं, हम सुन्नी भी पागल हैं, फौरन हम सीख ही लेते हैं, हम छोड़ते नहीं, हम फौरन सीख लेते, हम समझ गए अगर अपने मुर्दों को फायदा पहुंचाना है, अजाब में कमी करवानी है तो कुछ हरा भरा रखो, तो आप भाई पत्ते ही रखो ना, ये फूल क्यों रखते हो, क्या तेरे बाप का जाता क्या है, फूल रखेंगे हरे भरे, हरी भरी चीज भी है, साथ में खुशबू भी आ जाएगी, खूबसूरत नजारा भी हो जाएगा, खूबसूरत भी नजर आएगा, खुशबू भी आ जाएगी, तो हमने दोनों काम कर लिए, मैयत को भी फायदा पहुंचा लिया, आने जाने वालों का भी फायदा हो गया, आने जाने वालों का भी फायदा, मैयत का भी फायदा, दोनों फायदे, तो हम सीखने में पीछे नहीं। हाँ, अगर फूल ना मिले, कोई जरूरी तो नहीं कि फूल ही रखें, फूल ना मिले तो पत्तियां रख दें, दरख्त की पत्तियां काट कर तोड़ कर रख दें, शाख तोड़ कर रख दें, रख दें जब तक वो सूखेगी नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा ये तो अल्लाह के रसूल का हाथ लगा ना, इसलिए उसमें यह तासीर के शाखों से अजाब कम, तो भाई वो शाख को हाथ लगाने की कहां जरूरत थी, सरकार डायरेक्ट कब्र पर हाथ लगा देते, अजाब खत्म ही हो जाता, शाख पर हाथ लगाया तो अजाब कम हो गया, हुजूर के हाथ लगा, हालांकि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की हदीस में सरकार ने हाथ नहीं लगाया, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की हदीस में इस वाकये में सरकार ने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ कहा कि जाबिर ऐसा करना और उन्होंने किया और अजाब में तकफीफ, और दूसरी जो रिवायत है वहां उस दूसरी रिवायत में सरकार ने खुद शाख तोड़कर दोनों कब्रों पर रखा है, वो दूसरी रिवायत, वो दूसरा वाकया, तो वहां कहा जा सकता है कि सरकार की बरकत से अजाब कम हुआ, शाख का कोई काम नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं कहता हूं आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं अगर सरकार के हाथ की बरकत की वजह से अजाब कम अगर, तो फिर सरकार को शाख रखने की क्या जरूरत, आप हाथ रख देते अजाब ही खत्म हो जाता, अजाब ही निकल जाता है ना, और फिर वो यानी कि सूखी ना हो, जब तक सूखेगी नहीं अजाब कम होगा, सूख जाएगी तो अजाब फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, तो अगर सरकार का हाथ तो लकड़ी पर लगा था ना, जब तक सरकार का के हाथ लगी हुई लकड़ी रहती, चाहे गीली हो चाहे सूखी हो, अजाब नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हमें ये जहन दिया, हमें ये तालीम दी कि मैं अगर हाथ लगाकर अजाब कम करूंगा तो जब तक मैं हूं अजाब कम करवाऊंगा, ऐ मेरे आने वाली कयामत तक की उम्मत, तुम अपने मुर्दों से अजाब कैसे कम करवाओगे, आज तरीका दे दिया है, आज तरीका दे दिया कि मैंने तुम्हें सिर्फ मेरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने हाथ से भी रख दोगे तो अजाब कम हो जाएगा, सरकार ने तरीका दे दिया। बहरहाल बात कुछ और है, कहने की बात ये, अल्लाह ने अपने महबूब को सरापा मौजेसा बनाकर भेजा, उनमें सबसे अजीम शान मौजेसा जो कयामत तक के लिए जिंदा मौजेसा है वो कुरान पाक है, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर का मौजेजा, जो दूसरे नंबर का सबसे बेस्ट अशरफ आला अफजल मौजेजा, वो है मेराज का मौजेजा, ये है मेराज का मौजेजा। जानते क्यों, सारे अंबिया इकराम आए,
कमोबेश 124,000 अंबिया किराम आए। आखिर हर कोई अल्लाह एक, अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। जन्नत मौजूद है, जहन्नम भी मौजूद है, अर्श है, कुर्सी है, तख्त, लोहो कलम, सारी चीज़ें बयान करते थे। आसमान है, सात आसमान हैं, ऐसा है, वैसा, सब बयान किया। सिदरतुल मुंतहा है, फरिश्ते हैं, मलाइका, यानी सब बयान किया था। फरिश्तों को तो देखा, लेकिन इन्होंने न अल्लाह को देखा था, न जन्नत जहन्नम को, न ही आसमानों को, न अर्श आज़म को, न सिदरतुल मुंतहा को, ये सारी चीज़ों को देखा नहीं। सिर्फ तबलीग करते रहे कि है, मान लो, हमारे कहने से मान लो। तो अब ये सब की, सब ने जो गवाही दी कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सबकी गवाही जो है, सब ने गवाही दी, देखा किसी ने ना था, अल्लाह ने चाहा। ए महबूब, अब आप आखिरी खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, तो मैं चाहता हूं जितनों ने सुनकर गवाही दी थी, एक ऐसा भी हो, एक ऐसा कामिल शख्स हो, एक ऐसी कामिल जात हो कि जिसने देखा हो और वो देखकर गवाही दे, तो सारे सुने हुए की गवाही कबूल हो जाए। सारे सुने हुए की गवाही कबूल हो जाए, तो सारे अंबिया इकराम की गवाही पर मोहर लगाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज फरमाई। अच्छा, इस मेराज में अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, सुबहाना, पहला लफ्ज, जो पहला वर्ड है वो है सुबहाना, पाक है वो जात, पाक है। मैंने कई बार आपको बताया, फिर बताता हूं, अल्लाह ने पहले ही अपनी पाकी बयान कर दी। गधो, बेवकूफों, मुनकिरों, मेराज का इनकार करने वालों, आपसे नहीं कहा जा रहा है, जो इनकार करे उनसे कहा जा रहा है, आपसे नहीं कहा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है जो इनकार करे उनसे कहा जा रहा है। अबे बेवकूफों, गधो, अक्ल के अंधो, सुनो, यहां ये नहीं कहा जा रहा। रसूल ये नहीं कहते कि मैं गया, रसूल ने ये नहीं कहा, रसूल ने ये नहीं कहा कि कल रात मैं यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, ऐसा नहीं, ये नहीं। मेरा महबूब क्या कह रहा उस पर सुनो, मेरा महबूब कहता है कि मेरा रब मुझे ले गया। अब ये सुबहान ने, सुबहान, पाक है वो जात, किस बात से पाक, हर ऐब से, हर नुकसान, हर कमी से पाक है। अब उसमें कोई ऐब नहीं, वो आजिज नहीं, वो कमजोर नहीं, उसमें कोई कमी और नुकसान नहीं। तो अब अगर कोई बंदा, अगर कोई बंदा, मिसाल के तौर पर आप में से कोई बंदा, इसके पास 1,000 करोड़ हैं, कितने हैं, 1,000 करोड़ रुपया उसके पास है, 1,000 करोड़, और फिर वो एक गरीब आदमी, फकीर, भीख मांगने वाला, भीख मांगने वाला आदमी, वो भी बाहर बैठा था जुमा के दिन, दूसरे फकीरों से लड़ाइयाँ कर रहा था, वो एक रुपया मेरे को देना, ए वो रुपया मेरा है, उसमें लड़ाइयाँ कर रहा था रुपये के लिए, है ना, हाँ, लेकिन असर में उसके पास 100 करोड़ थे, असर की नमाज में उसके पास 100 करोड़ थे, या यूं समझ लें एक घंटे के बाद, जुमा के एक घंटे बाद उसके पास 100 करोड़ रुपया था। अब वो ये कहे कि मैंने एक घंटे में 100 करोड़ कमा लिया, तो आप कहेंगे सारा चुरा कर लाया होगा। कोई बंदा एक घंटे में 100 करोड़ कमा नहीं सकता यार, ऐसा होता तो सब करोड़पति बनकर बैठ जाते। आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या तो चुराया है या कहीं घपला मारा, कुछ तो किया, गड़बड़ है कुछ, हाँ, और पुलिस आकर भी उठा जाएगी, पुलिस भी नहीं कहेगी यार उसने कमाया, छोड़ो, नहीं, वो भी उठा जाएगी, एक घंटे में 100 करोड़ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कोई नहीं मानेगा। हाँ, लेकिन वो जो 1,000 करोड़ वाला है ना, वो कहे मैंने इसको 100 करोड़ दिए हैं, मैंने इसको 100 करोड़ दिए हैं। अब आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं 1,000 करोड़ में से 100 दे दिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हाँ तो दिए। अब वो कह रहा है मैंने दिए, और उसके पास हाथों में 100 करोड़ है, 1,000 करोड़ वाला कह रहा है कि मैंने दिए, तो अब कोई कहेगा कि नहीं गलत बात, अब कोई कहेगा नहीं झूठ है, नहीं भाई सही है, जिसने दिए वो कह रहा है, जिसने दिए हैं और उसके पास है भी, अब वो कह रहा है कि मैंने दिए, तो इनकार की कोई वजह नहीं। यहां रब फरमाता है, वो कुदरत वाला रब जिसने लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को पैदा किया, जिसने सिर्फ लफ्ज़े कुन से सातों जमीन और आसमान को पैदा किया और उसकी तमाम मखलूकात को पैदा किया, उसी
कुदरत वाले रब ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मैं पाक हूँ, मेरी जात पाक है, मुझ में कोई कमी नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई कमजोरी नहीं, मैं ऐसा कादिर हूँ। तो फिर सुनो, सुभानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में ले गई है। मेरे महबूब ने कहा ही नहीं कि मैं गया, हाँ अल्लाह ले गया। कहते अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको अगर एतराज है, तो रसूल पर मत करना, आप मत कहना नहीं ये कैसे कह रहे हैं हुजूर, ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मैं इतनी देर में जाकर आ गया। कहते हुजूर पर एतराज ही मत करो, करना है तो अल्लाह की जात पर एतराज करो, करना तो अल्लाह पर करो, इसलिए कि करवाने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह ने एतराज करवाया, अल्लाह ने मेराज करवाई, तो पता ही चला अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज में अपने बंदे को ले गया अपनी कुदरत से। अब अल्लाह की कुदरत ऐसी, वो चाहे जिसने वक्त चलाया है वही वक्त रोक भी सकता है, जो चलाता है वही रोक सकता है। आपके हाथ में घड़ी है, मेरे हाथ में भी नहीं है, लगता है घर भूल गया है ना, लेकिन आपके हाथ में घड़ी है, वो सुई वाली है ना, यानी कि विल वाली, आपने उसके उस विल को जहाँ से टाइम सेट करते हैं, अगर आपने उसकी कड़ी उस पिन को खींच लिया तो घड़ी क्या हो जाएगी, स्टॉप, रुक जाएगी कि नहीं रुकेगी, रुकना है भाई। घड़ी का काम था 24 घंटे का वक्त बता रहा, 24 घंटे घूमता रहना, ये उसका काम था, लेकिन आपकी घड़ी थी, इसलिए आपने जैसे ही खींची है पिन, स्टॉप, टाइम वहीं पर रुक गया। अब आपने आधे एक घंटे के बाद फिर दबा दी तो फिर वक्त शुरू हो गया, आपने 24 घंटे के बाद दबाई तो 24 घंटे के बाद शुरू हुआ, आपने 6 महीने के बाद दबाई तो 6 महीने के बाद शुरू हुआ, आपने 1 साल के बाद दबाई तो 1 साल के बाद वक्त शुरू हुआ, और जहां से छोड़ा था वहीं शुरू होगा, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू होगा। अब जो अल्लाह, वो कुदरत कादिर मुतलक कुदरत वाला अल्लाह, जो वक्त को चला रहा है, जो दिन रात को बदल रहा है, उसी ने जब चाहा वक्त को रोका है, वक्त को रोक दिया, और जब वक्त रुका अपने महबूब को मेराज करवाई। पता नहीं कितने 100,000 साल गुजर गए होंगे, पता नहीं कितना वक्त गुजरा होगा, उसने पिन खींची थी, वक्त रुक गया, जमाना रुक गया, कायनात थम गई, सब कुछ जहां था जैसा था वैसे का वैसा हो गया, और अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज फरमा दी। जब मेराज से लौटे हैं, हतीमे काबा में फिर लौटे और लेट कर फिर आकर लेट गए, कहते अल्लाह ने फिर पिन दबाई है, फिर पिन दबाई है, तो वक्त वहीं से शुरू हुआ जहां से रुका था, वहीं से शुरू हुआ जहां से रुका था। तो अब सरकार गए थे वुजू करके, तो पानी बह रहा था, पिन खींची गई, पानी वहीं रुक गया है, पानी वहीं रुक गया, वो जंजीर हिल रही थी, जैसे ही पिन खींची वो जंजीर ऐसे ही रुक गई थी, जो आदमी जैसा था, जैसा लेटा हुआ था, वैसे का वैसा स्टॉप हो गया, सारी कायनात थम गई, और उसके बाद ये निजाम चला है, ये रूहानी निजाम चला। अब इस रूहानी निजाम में दुनिया का कुछ भी नहीं सिवाय सरकार के, दुनिया का कुछ नहीं सिवाय सरकार के, एक मेरे सरकार हैं जो दुनिया के हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त के रुकने का आप पर कोई असर नहीं हुआ है, कोई असर नहीं हुआ। अब हते जिब्रील अमीन, हते जिब्रील और मिकाइल ये आए हैं और आकर सरकार को हतीमे काबा में लेटाकर आपका सीना चाक कर दिया है, आपका सीना चीर दिया। तो बात ये है, यहां से मेराज की इब्तिदा हुई है ना, यहां से शुरू हुई मेराज। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात सुभानल्लज़ी असरा, असरा जो ले गई, बंदा गया नहीं, बंदा नहीं गया, वो अल्लाह जो ले गया। अब एक बात आपको यहां बताऊं, एक पॉइंट की बात है, अगर आपकी समझ में आए तो, सुभानल्लज़ी में अल्लाह ने अपना नाम नहीं लिया, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, न अल्लाह का नाम है न हुजूर का नाम है, अल्लाह के लिए अल्लज़ी है, पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी वो ज़ात, अल्लज़ी इसमें मौसूल वो ज़ात, और वो ज़ात किसको ले गई, असरा बिअब्दिही अपने ख़ास बंदे को, अपने ख़ास बंदे को। अब मेरा सवाल, जो यानी अरबी ग्रामर जानता है उसे पता होगा, ये हमारे मौलाना इमरान भी हैं, मौलाना शमीम भी हैं, ये सब जानते हैं, इनको पता है, अल्लज़ी इसमें मौसूल, अल्लज़ी इसमें मौसूल का माना वो जो है ना, हाँ हमारे सुहेल भाई भी हैं, अभी स्टार्ट है, इन्होंने भी पढ़ा होगा, अल्लज़ी का माना वो
अभी कभी यानी कहा जाता है ना कि मैं वो हूँ, तो फिर कहेंगे अनल्लदी, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो यहाँ अल्लदी यानी वो। अब बात कहने की ये है कि दोनों में इबहाम है, दोनों छुपे हुए हैं। अल्लदी वो ले गया, कौन ले गया? नाम नहीं। किसको ले गया? अभी अब्दी, अपने बंदे को। अब बताएं इस अल्लदी में सारी सारे लोग मौजूद हैं, तमाम मुमकिन, हर चीज मौजूद। अल्लदी वो, तो अल्लदी आदमी भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, और आदमी इंसान के हर फर्द हो सकता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ 100-200 जितने बैठे हैं वो सब अल्लदी हो सकते हैं। नवसारी में जितने लोग हैं सब अल्लदी, पूरे हिंदुस्तान में जितने, पूरी दुनिया में जितने सब अल्लदी, बल्कि जितने जिन्नात, जितने फरिश्ते सब अल्लदी, सब अल्लदी, सब अल्लदी। अब ये सारे अल्लदी हैं तो कौन ले गया पता नहीं चल रहा है, सारे अल्लदी। और किसको ले गया? अब्दी ही, अपने खास बंदे को। तो बंदा आप बंदे हैं कि नहीं है? ये सारे बंदे हैं कि नहीं? हम भी बंदे, आप भी बंदे अल्लाह की, बल्कि सिर्फ इंसान ही बंदे नहीं, इस कायनात में जितनी मखलूकात है सब अल्लाह के बंदे हैं, जितनी मखलूकात सब अल्लाह के बंदे। तो अब सवाल ये पैदा होता है, वो ले गया अपने बंदे को, ये कौन वो था जो किस बंदे को ले गया? कहते अल्लाह ने छुपा दिया, अल्लाह ने छुपा दिया। क्यों छुपाया? कहते इसलिए कि अल्लदी में पहले सबको दाखिल कर दिया, पहले सब आ गए कि सारे अल्लदियों को मान लो, समझ लो कि जितने अल्लदी हैं सब ले गए, सब ले गए। अगर किसी के बाप में हिम्मत हो तो, अगर किसी के बाप में, किसी अल्लदी के बाप में हिम्मत हो तो वो ले गया आसमान की सैर करवाने। चलो बोलो किस में हिम्मत है आसमान की सैर करवाने की? सातों आसमान तक बादलों की सैर करवाई जा सकती हो, कई प्लेन में बिठा कर ले जा सकता है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां आसमान और ऊपर, ये कौन ले जाएगा, ये कौन ले जाए? तो कहते हैं कि वो जात जो तमाम जातों में सबसे कामिल है, सबसे ज्यादा कुदरत वाली है, वो जात ले गई। अल्लदी में सब हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो अल्लदी कौन कि जो आसमान की सैर करवा सके, जो रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जा सके। आप में से कोई ये है, कोई ऐसा आदमी है कि जो मुझे रात के थोड़े से हिस्से में यहाँ से अभी दुबई ले जाओ, दुबई से वापस ला कर रख दे, रात के थोड़े से हिस्से में, यहाँ नवसारी से, आप कहें हजरत पहले बॉम्बे चले फिर मैं ले जाता हूँ लाता हूँ, नहीं, मुझे नवसारी से जाना है, यहाँ से रात के थोड़े हिस्से में आप मुझे दुबई ले जाएं, दुबई से वापस ला कर रख दें, इंग्लैंड ले जाएं, अफ्रीका ले जाएं, अमेरिका ले जाएं, थोड़े से हिस्से में। ये लैलन बता रहा है कि थोड़ा सा, जरा सा, ये जरा सा रात का हिस्सा, उसमें आना जाना है। तो अब कोई ऐसा हो जो ले जाए और लाए वापस, लेकर जाना है वहां, घुमाना है और फिर घुमा के वापस ला कर नवसारी छोड़ देना है, कोई है? यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ये एक महीने का रास्ता, एक महीने का रास्ता, तो वहां भी कोई ले जाने वाला नहीं। तो ये सारे अल्लदी निकल गए, सिर्फ वही अल्लदी रह गया जो इस पर कादिर था, सिर्फ वही अल्लदी रह गया जो कामिल था, जो कादिर मुतलक था। तो वो अल्लदी ले गया जो कामिल, जो अल्लाह तबारक व तआला है। किसे ले गया? अब्दी ही, अपने बंदे को। और बंदे में सारे, अब्द में सारी मखलूक आ गई, लेकिन बताओ इसमें से कौन था जो गया था, कौन था जो गया? कहते हैं कोई नहीं गया सिवाय कामिल इंसान के, इंसान कामिल के, जिसने आसमानों की सैर की, वो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो कामिल था जो अपने कामिल बंदे को ले गया, वो कामिल ज़ात अपने कामिल बंदे को, मखसूस और ख़ास बंदे को, रात के थोड़े से हिस्से में, कहाँ से कहाँ तक? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। सवाल ये है, हम कहते हैं और अक्सर ये कहा जाता है, भाई मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक ले गया, है ना, ले गया असरा, ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। यहाँ आसमान की सैर का जिक्र नहीं, आसमान का जिक्र नहीं, हालांकि बाज़ उलमा ने उसमें आसमान भी निकाला है, वो मैं बाद में बताता हूँ कि आसमान भी निकाला, लेकिन बात यह है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अल्लाह ले गया सैर कराने के लिए, घुमाने फिराने के लिए। सैर का मतलब तफरी, तफरी, पिकनिक, थोड़ा सा दिल खुश हो जाए, हाँ, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए, इसलिए, बल्कि ये अपने महबूब की शान सारी कायनात को बताना है,
इसलिए अल्लाह ले गया सैर करवाने के लिए। और जब सैर करवाने ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक यहाँ जिक्र किया, आगे का जिक्र नहीं किया कि मैंने आसमानों की भी सैर करवाई, मैं हूँ फिर मैंने अपने महबूब को या अपने बंदे को मैं आसमानों में ले गया, आसमानों के परे ले गया, आसमान से ऊपर अर्श आज़म पर ले गया, सिदरतुल मुंतहा तक ले गया, ऐसा कुछ बयान नहीं किया, बस मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। क्यों आसमान का जिक्र यहां क्यों नहीं किया? कहते ये वो आयत है जो मेराज के दिन सुबह के सुबह नाजिल हुई है, सुबह ही नाजिल हुई। अब जब सुबह नाजिल हुई कुफारे मक्का से अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने ये आयत पढ़कर सुनाई, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समील बसीर। अब सारे ये क्या बात कर रहे हो यार, मस्जिद अक्सा तक जाकर आए रात के थोड़े हिस्से में, हो ही नहीं सकता उस वक्त। आज तो प्लेन और राजधानी वाले ऐसी ट्रेनों का सफ़र है या यानी कि कार्स वगैरह हैं, स्पीड में जा सकते हैं, है ना, तो कोई 8-10 घंटे में पहुंच जाए, है ना, 12 घंटे में पहुंच जाए, 15-20 घंटे में पहुंच जाए, हो सकता है। लेकिन लेकिन वो ज़माना ऐसा कि सफ़र के लिए एक महीना, ऊंट पर घोड़े पर जाओ तो एक महीना लगेगा। कहते एक महीने का सफ़र, आप कह रहे हैं कि रात के थोड़े से हिस्से में नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मस्जिद अक्सा तक ही बयान किया। क्यों? इसलिए कि कुफारे मक्का ने मस्जिद अक्सा देखी हुई थी, मुशरिकीन मक्का ने मस्जिद अक्सा देखी हुई थी। तो सवाल यह था कि तुम्हें अभी मस्जिद अक्सा की खबर दी जा रही है ताकि अगर तुम्हें शक हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो ज़रा पूछ के देखो, तुमको पता है, तुम जानते हो मेरा महबूब कभी फिलिस्तीन गया नहीं, मेरा महबूब कभी मस्जिद अक्सा गया नहीं, उसने ना मस्जिद अक्सा को देखा है ना कुब्बतुस सखरा को देखा है, वो बैतुल मुकद्दस कभी गया ही नहीं, ना वहाँ गली कूचों को देखा, ना उस शहर को देखा। अब अगर तुम्हें शक है तो मेरे महबूब से पूछ कर देखो, जो तुमने देखा है वही मेरे महबूब ने देखा है, गया नहीं है कभी अपनी लाइफ में नहीं गया, लेकिन दिखाया मैंने वो है जो तुमने देखा हुआ है। अब जब सवाल आ गया कि मस्जिद अक्सा तक जाकर, अच्छा अगर अल्लाह ये फरमाता ना कि मैं आसमानों की मैंने सैर करवाई रात के थोड़े से हिस्से में, तो आसमान तो कुफार मक्का ने देखे ही नहीं थे, तो सवाल करते ही नहीं, और सवाल करते नहीं तो मानते भी नहीं, सवाल करते नहीं और करते नहीं तो मानते नहीं। अगर कर भी लेते, अच्छा बताओ आसमान कैसे हैं, आसमान में क्या क्या है, और सरकार बयान भी कर देते ये पहला आसमान फना चीज़ का बना हुआ, दूसरा आसमान फना चीज़ का, तीसरा फना का, सोने का, चांदी का, जमरूद का, और वहाँ ये हैं हत आदम हैं, हत ईसा हैं, हत मूसा हैं, हत हारून, हत यूसुफ, हत सारे ये सारे अंबिया इकराम हैं, हत ईसा यहया हैं, तीसरे आसमान, ये सब बयान भी अगर कर देते या फरिश्तों की तादाद है तो मानने वाले थे, वो तो नहीं मानते, ऐसे ही फेंक हम फाँक ऐसे ही फेंक रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है तो मानेंगे कैसे। लेकिन मस्जिद अक्सा तो उन्होंने देखी हुई है, मस्जिद अक्सा देखी तो हाथ में चांस आया, उन्हें लगा कि चांस आया, उन्हें नहीं पता था कि चांस निकल गया।